हेलो everyone. I आई होप यू ऑल आर good. गुड दिस इज from लीगल फ्लाई वेलकम बैक टू my चैनल यहाँ पढ़ेंगे समझेंगे लॉ सब्जेक्ट्स तो आज हमें समझना है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्टेंस के अंदर एच एल हार्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को एच एल ए हार्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझने से पहले पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं उनका जन्म हुआ था 1907 में उन्होंने बैचलर्स डिग्री जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करी थी उसके बाद एज अ बैरिस्टर उन्होंने प्रैक्टिस किया कुछ साल तक एंड देन वर्ल्ड वार टू के टाइम में उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में सर्व करा लेटर ऑन फिलोसफी की स्टडी कर कर वो बन गए ट्यूटर इन फिलोसफी एंड देन उसके बाद नाइनटीन फिफ्टी वो बने थे प्रोफेसर ऑफ जोरोस्ट्रस अब उनके कुछ फेमस कॉन्ट्रीब्यूशंस है जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नाइनटीन और ये बुक जो है काफी सिग्निफिकेंट मानी जाती है क्योंकि उन्होंने लीगल फिलासफी के फील्ड में काफी

किस तरीके का ब्रेक आ रहा है फोर्थ में हम ये देखेंगे कि सोशल रूल्स एंड सोशल हैबिट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है एंड क्या डिफरेंस है फिफ्थ में हम ये देखेंगे कि जो रूल्स जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू एच एल ए हार्ट तो उन्होंने किस तरीके से उसे डिवाइड करा है सिक्स में हम ये देखेंगे कि लॉ भी उन्होंने दो तरीके से डिवाइड करे हैं प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स तो उसको वो किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट वन दैट इज क्रिटिसिजम्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से अब फर्स्ट स्टेप में हमें यह देखना है कि एच एल ए हार्ट ऑस्टिन की थ्योरी को किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि एच हार्ट कहते हैं जो ऑस्टिन की थियोरी है ना लॉ की जिस तरीके से वो लॉ को डिफाइन करते हैं कि लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन कि वहां पर जो है कमांड है लॉ और उसको सपोर्ट जो है सैंक्शन करता है तो एच हार्ट कहते हैं कि हर तरीके के लॉ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है हाँ बेशक क्रिमिनल लॉज के लिए ये एप्लीकेबल है क्योंकि वहां पर एक कमांड भी होगा वहां पर सैंक्शन भी होगा पेनल्टी

करने के कारण ऑस्टिन जो है कंटिन्यूटी ऑफ लॉ को डिफाइन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अब जो ये थर्ड पॉइंट है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे पहले ये देख लेते हैं कि हार्ट लॉ के बारे में क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए वेर देयर इज लॉ देयर ह्यूमन कॉन्टेक्ट इज मेड नॉन ऑप्शनल एंड ओब्लीगेटरी इससे क्या मतलब है इससे ये मतलब पड़ता है कि कभी भी जहाँ पर भी लॉ एग्जिस्ट करता है तब वहाँ पर ह्यूमन कॉन्डेक्ट को नॉन ऑप्शनल बना दिया जाता है मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो जैसा चाहे वैसा एक्ट कर ले बल्कि उसको उब, उसके ऊपर एक ओब्लीगेशन डाल दी जाती है कि लॉ जैसा कहता है उसको वैसा ही एक्ट करना है ओके okay, तो वो कहते हैं जो लॉ है ना वो सेट ऑफ रूल्स है एक कॉम्बिनेशन है रूल्स का एंड ये जो रूल है इसका कोर कॉन्सेप्ट है ओब्लीगेशन तो चलिए अब थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं तो इस स्टेप में हमें हैबिट ऑफ ओबीडियंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ लॉ के बारे में बात करना है देखिए सबसे पहली बात है एचएलए हार्ट कहते हैं कि जिस तरीके से ऑस्टिन ने सॉवरिन को डिफाइन करा था तब उन्होंने हैबिट ऑफ ओबीडियंस का कॉन्सेप्ट उसमें रखा है ठीक है वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जब एक ह्यूमन सुपीरियर को पूरे सोसाइटी के मेंबर्स जो है ओबे करते हैं राइट हैबिचली ओबे करते हैं या उनको ओबे करना उनकी एक हैबिट बन गई है तब ये जो सुपीरियर है बेसिकली सॉवरिन कहलाया जाता है राइट right? इसी तरीके से ऑस्टिन डिफाइन करते हैं तो इसी बात को एचएलए हार्ट जो है डिस्क्राइब करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एंड बताते हैं कि ऑस्टिन से आखिर गलती क्या हुई है तो एच एल ए हार्ट कहते हैं कि सोचिए कि अगर एक कंट्री है उसके अंदर एक मुनार्क है ठीक है एक किंग है फॉर एग्जाम्पल रेक्स वन तो अगर रेक्स वन कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उसको लॉ माना जाता है राइट अब उसको लॉ क्यों माना जाता है ज़रा उसको ऑस्टिन के डेफिनेशन में डाल के समझने की कोशिश कीजिए उसको लॉ बेसिकली इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी पूरी जो कंट्री के इंडिविजुअल्स होंगे ना वो रेक्स वन को बेसिकली ओबे करते हैं एंड उनकी हैबिट हो गई है उनको ओबे करने की एक हैबिचुअल ओबीडियंस देते हैं राइट इसीलिए रेक्स वन जो है सॉबरिन माने जाते हैं और उनके सारे ही ऑर्डर्स जो है लॉ माने जाते हैं सिंपल तो उन्होंने लॉ भी तो इसी तरीके से डिफाइन करा था कैसे कहा लॉ इज़ अ कमांड ऑफ द सॉवरिन राइट तो इस एग्जाम्पल में एच एल ए हार्ट क्लियरली कहते हैं कि यहाँ पे रेक्स वन जो है सॉवरिन है और वो जो भी ऑर्डर्स पास करेंगे वो लॉ है वो क्यों है ऐसा क्योंकि वहां की जो सोसाइटी है पूरा जो कंट्री है उसके सारे मेंबर्स जो है इनको हैबिचुअल ओबीडियंस देते हैं या ओबे करते हैं और या ओबे करने की उनकी आदत हो गई है इसलिए ये सॉवरिन माने जाते हैं और इनके ऑर्डर्स जो है लॉ माने जाते हैं अब हार्ट जो है इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कहते हैं सोचिए कि अगर एक दिन रेक्स वन जो है उनकी डेथ हो गई तो अब जो है उनके जो एल्डेट सन होंगे वो आएंगे थ्रोन में राइट वो बन जाएंगे किंग तो अब वो जो किंग बन गए हैं क्या उनके ऑर्डर्स भी लॉ माने जाएंगे तो यहां पर आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हार्ट कहते हैं कि रेक्स टू के ऑर्डर्स को हम लॉ नहीं मान सकते हैं क्योंकि वो जो पूरा एरिया है वहां पर जो इंडिविजुअल्स है अभी वो ओबे करना है उन्होंने शुरू ही किया है वहां पर एक हैबिचुअल ओबीडियंस अभी क्रिएट नहीं हुआ है राइट वो हैबिट अभी क्रिएट नहीं हुआ है तो इसलिए अभी जो है वो ना ही सॉवरिन माने जाएंगे ना ही उनका जो ऑर्डर्स है वो लॉ माना जाएगा राइट तो ये सब एचअल हार्ट ऑस्टिन के डेफिनेशन को रखते हुए ही समझा रहे हैं तो वो कहते हैं देखिए अगर इस तरीके से अगर हमने डिफाइन कर दिया और कह दिया कि उनके जो ऑर्डर्स है वो लॉ नहीं है और रेक्स टू जो है वो सोवरन नहीं है तो लॉ की कंटिन्यूटी में तो एक ब्रेक आ गया ना तो यही तो एचएलए हार्ट हमें समझा रहे हैं कि जो ऑस्टिन की थ्योरी है ना बेसिकली उस थ्योरी में जो नोशन यूज हुआ है हैबिट ऑफ ओबीडियंस का उस नोशन को यूज करने के कारण कंटिन्यूटी ऑफ लॉ में एक ब्रेक आ रहा है और हार्ट कहते हैं ये ब्रेक इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑस्टिन ने हैबिट एंड रूल के बीच का डिफरेंस नहीं समझा और सेकेंड बात वो ये कहते हैं कि अगर सोचिए उस कंट्री में रूल ऑफ सक्सेशन होता तो रेक्स वन की डेथ के बाद रेक्स टू जो है वो किंग बनते और जिस दिन से वो ऑर्डर पास करना शुरू करते उसी दिन से उनके ऑर्डर्स को जो है लॉ माना जाता वहां पे हैबिट ऑफ ओबीडियंस की बात आती ही नहीं अब जो है एच एल ए हार्ट सोशल रूल्स एंड सोशल हैबिट्स के बीच का एक डिफरेंस समझाते हैं अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली उन्हें समझाना लॉ ही है बट वो स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या है सोशल रूल वहां से हमें समझाएंगे रूल्स दैट और वहां से हमें समझाएंगे कि आखिर लॉ क्या है तो सोशल रूल को समझाने के लिए पहले वो सोशल हैबिट से उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अब हम फोर्थ स्टेप में है जहां पर हमें यही देखना है कि सोशल हैबिट एंड सोशल रूल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है एंड क्या क्या डिफरेंसेस है देखिए बात बहुत सिंपल है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है अगर आप मुझे ध्यान से नहीं सुनेंगे ठीक है, ऑलरेडी एच एल जो ने फिलोसफी तो पढ़ी है तो उन्होंने तो 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 पहले सोशल हैबिट एंड सोशल रूल के बीच का क्या सिमिलैरिटी है किस तरीके से एच एल ए हार्ट कह रहे हैं उसको समझ लेते हैं पहले तो ना हम दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल ये है कि सोचिए एक सोसाइटी है उसमें पचास मेंबर्स है अब उस पचास मेंबर्स में ना सब लोगों की मतलब मोस्टली चालीस लोगों की आदत यह है कि वो हर दिन इवनिंग में पार्क में जाते हैं ठीक है तो हम इस एग्जाम्पल को ना सोशल हैबिट में डाल देते हैं अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सोचिए है, आप टेंपल चर्च या मॉस जाते हैं तो आप अपने स्लीपर्स को बाहर उतार के जाते हैं राइट तो इसको हम सोशल रूल के अंदर का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये सोशल हैबिट बन रहा है एंड सोशल रूल बन रहा है ठीक है अब पहली बात क्या सिमिलैरिटी है इसके बीच में एच एल हार्ट कहते हैं सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही एक जनरल तरीके का बिहेवियर एग्जिस्ट करता है जो कि रिपीट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी मतलब जब जब आप टेंपल जाएंगे तब तब आप जो है अपने स्लीपर्स को बाहर उतार के ही जाएंगे राइट right? मतलब एक जनरल तरीके का बिहेवियर वहां एग्जिस्ट करता है जो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी जो है उसे रिपीट करती है जब वो ओकेजन आता है राइट right? तो उसी तरीके से सेम यहां पर भी सोशल हैबिट में भी अप्लाई होता है कि सोशल हैबिट क्या है कि जब जब इवनिंग होता है तब वो सोसाइटी के चालीस मेंबर्स जो है वो पार्क में जाते हैं सिंपल तो इस तरीके का सिमिलैरिटी जो है एच एल ए हार्ट कहते हैं कि दोनों में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में जो है कॉमन या जनरल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं पहला डिफरेंस ये है सोशल हैबिट के अंदर कि देखिए सोशल हैबिट को एग्जिस्ट करने के लिए एक कॉमन बिहेवियर होना काफ़ी है राइट जैसे हर दिन जो है पार्क जाते अब सोचिए कि एक या दो इंसान जो है पार्क नहीं आ रहे एक दो दिन से पार्क नहीं जा रहे तो क्या उनका एक्शन वो ना जाना पार्क में क्या उनका एक्शन फॉल्ट माना जाएगा गलत माना जाएगा, नहीं, नहीं हार्ट तो कहते हैं कि सोशल हैबिट को एग्जिस्ट करने के लिए इनफ है कि वहां बिहेवियर हो साथ ही साथ किसी भी तरीके का डिविएशन होता है अगर उस बिहेवियर में तो ना ही वो एक्ट फॉल्ट माना जाएगा ना ही क्रिटिसाइज किया जाएगा ओके okay? अब बट देखते हैं सोशल रूल कैसा है अब देखिए सोशल रूल के अंदर वो ये कह रहे हैं यहां पर भी कॉमन बिहेवियर तो एग्जिस्ट करेगा बट यहां पर कुछ डिफरेंस है तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टेंपल में जाते हैं तो आप अपनी स्लिपर्स बाहर उतार के जाते सोचिए कि काफी सारे लोग जो टेम्पल जा रहे हैं वो क्या करेंगे स्लिपर्स बाहर उतार के ही तो अंदर जाएंगे अगर उसमें से एक या दो जो है स्लिपर्स पहन के ही अंदर चले जाता है तो क्या होगा तो बेसिकली उनके एक्ट को गलत माना जाएगा फॉल्ट माना जाएगा राइट एंड एज वेल एज़ उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा तो सोशल रूल में बेसिकली क्या क्या होते हैं कॉमन बिहेवियर होता है एंड अगर इसको वायलेट किया जाता है तो वो एक्ट जो है रॉन्ग माना जाता है गलत माना जाता है और उसके बेसिस में जो सोसाइटी है उस इंसान को क्रिटिसाइज भी करती है सिंपल तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का अब नेक्स्ट डिफरेंस है कि सोशल रूल के अंदर इंटरनल एस्पेक्ट भी है एज वेल एज एक्सटर्नल एस्पेक्ट भी है बल्कि सोशल हैबिट के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल एस्पेक्ट एग्जिस्ट करता है ऐसा है चलहा हार्ट कहते हैं तो देखिए सोशल रूल को समझ लेते हैं कि आखिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट क्या है तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अब सोचिए कि दो लोग जो है चेस खेल रहे हैं और मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ देख रही हूं कि कैसे खेल रहे हो और मुझे जो है चेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे क्या समझ आएगा मुझे यह दिखाई देगा कि अच्छा उसमें एक एक रानी है एक राजा है और वो रानी को जो है कुछ सेट ऑफ पैटर्न मतलब सिमिलर तरीके से ही मूव कर रहे हैं। तो दोनों जो प्लेयर्स है, एक ही पैटर्न में जो है उनको मूव कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर इसको बेसिकली कहते हैं एक्सटर्नल एस्पेक्ट क्योंकि एक्सटर्नल एस्पेक्ट में क्या मुझे दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है कि एक एक तरीके का कॉमन बिहेवियर है वो जो दोनों फॉलो कर रहे हैं ठीक है थीके? अब समझते हैं कि इंटरनल एस्पेक्ट क्या है रूल का तो ये है कि जो प्लेयर्स है जो खेल रहे हैं राइट right? वो सिमिलर पैटर्न तो यूज कर रहे हैं बल्कि उनके लिए ये सिमिलर पैटर्न जो है एक जनरल स्टैंडर्ड है जो उनको फॉलो करना पड़ता है जब वो चेस खेलते हैं बस उनको ही नहीं बल्कि जो भी इंडिविजुअल चेस खेलता है उन सभी के लिए ये सेट ऑफ पैटर्न मतलब किस तरीके से क्यों उनको मूव करना है वो पैटर्न जो है सभी के लिए एक जनरल स्टैंडर्ड है और सभी के लिए सेम है तो एचुअली हार्ट कहते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो हैबिट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो अब अगर कोई एक प्लेयर अपनी मर्जी से क्यून उनको मूव कर देता है तो वहां पर उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा एंड हार्ट कहते हैं जब क्रिटिसाइज किया जाता है तो कुछ तरीके के नॉर्मेटिव वर्ड्स है जो यूज किए जाते हैं दैट इज़ यू मस्ट फॉलो द रूल यू शुड फॉलो द रूल यू शुडेंट मूव द क्यून लाइक दैट इस तरीके के जो है टर्म्स यूज हो होते हैं तो ये है बेसिकली इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ रूल जहां पर जो इंडिविजुअल्स रूल्स को देखते हैं उसको एज अ जनरल स्टैंडर्ड की तरह देखते हैं एंड उसे फॉलो करते हैं अब ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल एस्पेक्ट का वो हैबिट में एग्जिस्ट नहीं करता हैबिट में सिर्फ एक्सटर्नल एस्पेक्ट एग्जिस्ट करता है वो है कॉमन बिहेवियर लाइक फॉर एग्जांपल सोचिए कि मैं एक टी स्टॉल चलाती हूँ और वो एक सिनेमा हॉल के पास में है तो मैं देखती हूँ कि हर फ्राइडे जो है काफ़ी सारी भीड़ लगी रहती है उस थिएटर के आगे एंड सारे लोग फ्राइडे के फ्राइडे मूवी देखते हैं अब जो लोग वहाँ पर आए हैं वो सारे जो कि डिफरेंट जगह से आए होंगे एंड उनका जो मोटिव होगा वो डिफरेंट होगा राइट कुछ सोचते होंगे कि यार सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है तो फ्राइडे ही मूवी देख के मैं घर चले जाता हूं कुछ सोचते होंगे कि नहीं यार फ्राइडे ही रिलीज होगी और मुझे फ्राइडे की फ्राइडे ही मूवी देखनी है राइट क्या कोई जनरल स्टैंडर्ड है वो फॉलो करते हैं कि नहीं मूवी मुझे फ्राइडे ही देखनी है या ये एक जनरल स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट है कि फ्राइडे को ही मूवी देखनी चाहिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हैबिट में एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए वो कहते हैं कि हैबिट में इंटरनल एस्पेक्ट नहीं है बल्कि सोशल रूल के अंदर इंटरनल एस्पेक्ट है और इस इंटरनल एस्पेक्ट को वो कहते हैं एज एन इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ रूल Now, अब वो क्या करते हैं सोशल रोल के जो इंटरनल एस्पेक्ट है ना उसको एक्सप्लेन फर्दर एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं एंड कहते हैं कि हर एक इंडिविजल को सोशल रूल की ओर या रूल्स की ओर बेसिकली एक क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए कैसा क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड वो ऐसा क्यों कहते हैं कह रहे हैं कि उसका मतलब यह है कि कोई भी सोशल रूल जो एग्जिस्ट करता होगा सोसाइटी में आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा एज अ जेनरल स्टैंडर्ड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट की तरह उसको एक्सेप्ट करना होगा एंड आपको अपनी विलिंगनेस दिखानी होगी कि आप कोई भी एक्ट करेंगे तो इस रूल के हिसाब से ही करेंगे साथ ही साथ ये जनरल स्टैंडर्ड जो है आपको हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में क्या आपका एक्शन वैलिड है या इनवैलिड है राइट right है या रॉन्ग है साथ ही साथ दूसरों के एक्शंस को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा ये जनरल स्टैंडर्ड तो इस तरीके से वो सोशल रूल के इंटरनल एस्पेक्ट को समझाते हैं और कहते हैं कि सोशल हैबिट में ये एग्जिस्ट नहीं करता एंड इस तरीके से वो सोशल रूल्स एंड सोशल हैबिट्स के बीच का एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आई होप आपको सोशल रूल्स एंड सोशल हैबिट्स के बीच का सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंस समझ आ गया होगा जो हमें HLA हार्ट समझा रहे हैं तो अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप की ओर जहां पर हमें रूल दैट कॉन्स्टिट्यूटेशन के बारे में बात करना है ये कंटिन्यूटी में ही है मैं आपको समझाती हूं कैसे देखिए एच एल एट कहते हैं तो सोशल रूल्स में कुछ इस तरीके के रूल्स होते हैं जिसके अंदर सोसाइटी जो है आपको इंसिस्ट करती है उस रूल्स को फॉलो करने के लिए जैसे टेंपल में आप जाते हैं तो आप अपने सैंडल बाहर उतार के जाते हैं राइट तो सोसाइटी आपको इंसिस्ट करती है कि ये रूल को आप फॉलो करो राइट right? साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरीके से उसे वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर सोशल प्रेशर जो है इंपोज कर देती है मतलब क्रिटिसाइज कर देती है आपको कि आपने जो किया वो सही नहीं करा आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था आपको ये जनरल स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए था तो इस तरीके की बातें करते हैं तो वहां पर डिमांड uh, भी होता है इंसिस्टेंट डिमांड होता है साथ ही साथ सोशल प्रेशर भी होता है तो इस तरीके के रूल्स को बेसिकली रूल्सेशन कहते हैं है, ऐसा कहते हैं हार्ट तो है है, है कहते हैं उस तरीके के रूल्स जहां पर सोसाइटी जो है आपको इंसिस्टेंट डिमांड देती है बोलती है कि इस रूल को जो है फॉलो करो या आपके ऊपर सोशल प्रेशर इंपोज कर देती है अगर आप उसको

राइट right? तो मतलब जहां पर आपको इंसिस्टेंट डिमांड दिया जाता है कि आप रूल फॉलो करो एंड आपके ऊपर सोशल प्रेशर इंपोज किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आपको वो रूल को फॉलो करना ही करना है अब एच हार्ट रूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑब्लिगेशन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं तो पहला है वो ये कहते हैं कुछ इस तरीके के रूल्स जिसमें सिर्फ डिमांड होता है उसको फॉलो करने का एज वेल एज अगर फॉलो नहीं करते सो सोशल प्रेशर जो है इंपोज किया जाता है किस तरीके का सोशल प्रेशर इंपोज होता है जैसे सोसाइटी जो है किसी तरीके का हॉस्टाइल रिएक्शन आपके ऊपर दिखा देती है या आपको किसी तरीके का यू नो शेम फील करवाती है कि आपने वो रूल फॉलो नहीं करा है तो अगर इस तरीके का जो uh, एक एक प्रेशर जो है इंपोज किया जाता है इसको बेसिकली हम मॉरल कोड ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं इस रूल को मॉरल कोड ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं इसमें ओब्लीगेशन तो है ही है बट मॉरल कोड ऑफ सोसाइटी कहा जाता है साथ ही साथ के अंदर जो है उसको मॉरलिगेशन माना जाता है एंड सेकेंड है जब कोई रूल है उसको ना फॉलो करने पर सोशल प्रेशर नहीं बल्कि फिजिकल सैंक्शन जो है इंपोज किया जाता है तो वहां पर वो रूल जो है वो लॉ बन जाता है एंड उसके अंदर की जो ओब्लीगेशन है वो लीगल ओब्लीगेशन बन जाती है इस तरीके से वो रूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑब्लीगेशन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं अब वो कंटिन्यूटी में लॉ को दो तरीके से डिवाइड करते हैं जो कि है हमारा सिक्स स्टेप हमें समझना है कि उन्होंने किस तरीके से लॉ को दो तरीके से डिवाइड करा है तो वो कहते हैं कि लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स मतलब उसके अंदर वो कहते हैं दो तरीके के रूल्स आते हैं पहला है प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंड है सेकेंडरी रूल्स तो प्राइमरी रूल्स कुछ इस तरीके के रूल्स हैं जो कि ड्यूटी इम्पोज़ करते हैं मतलब इंडिविजुअल्स को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए तो ये बेसिकली ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स होते हैं इनको बेसिकली एच एल हार्ट प्राइमरी रूल्स कहते हैं अब वो ये कहते हैं कि अगर वो कुछ ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचे जहाँ पर सिर्फ प्राइमरी रूल्स ही एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जैसे वो कहते हैं कि यार नया रूल कैसे आएगा राइट रू एग्जिस्टिंग रूल्स में चेंज किस तरीके से आएगा या जो एग्जिस्टिंग रूल है उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे कैसे बताएंगे कि ये जो रूल है वो वैलिड है यही रूल है जो आपको फॉलो करना है अब कोई रूल को ब्रेक करता है या वॉयलेट करता है तो उसको किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि उसने वॉयलेट किया भी है कि नहीं किया है तो इसीलिए वो सेकेंड कैटेगरी को बताते हैं वो है सेकेंडरी रूल्स अब सेकेंडरी रूल्स कुछ इस तरीके के रूल्स हैं जो कि वो कहते हैं पावर कन्फरिंग है तो यहां पर पावर दी जाती है जिसके थ्रू प्राइमरी रूल्स को जो है देखा देखा जाता है कि क्या वो वैलिड है या नहीं है और जो एग्जिस्टिंग रूल है उसको चेंज करने की पावर देते हैं या कुछ ऐसे पावर देते हैं कि किस तरीके से उसे एनफोर्स किया जाए तो इस तरीके के जो पावर्स हैं वो सेकेंडरी रूल्स में आते हैं तो उन्होंने कहा है ऐसे चार सेकेंडरी रूल्स एग्जिस्ट करते हैं पहला है रूल्स ऑफ रिकग्निशन सेकेंड है रूल ऑफ चेंज थर्ड है रूल ऑफ एजुडिकेशन एंड फोर्थ है सेंक्शन इम्पोजिंग रूल्स तो फर्स्ट है रूल ऑफ रेकग्निशन वो कहते हैं इसके अंदर इस तरीके के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से रूल है जो वैलिड है और कौन सा रूल है जो इनवैलिड है और जो आपको फॉलो नहीं करना है सेकेंड वन है रूल ऑफ चेंज मतलब इसमें इस तरीके के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्राइमरी रूल्स को वो चेंज uh, कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं एंड किस तरीके से ऑल्टर करना है कौन उसे ऑल्टर करेगा क्या प्रोसीजर है जो फॉलो करना है वो सभी चीजें जो है रूल्स ऑफ चेंज में आते हैं थर्ड वन है रूल ऑफ एजुडिकेशन रूल ऑफ एजुडिकेशन में बेसिकली उस तरीके के रूल्स आते हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रूल को जो है किसी ने वॉयलेट किया है या नहीं किया है तो उस क्या प्रोसीजर है जो फॉलो करना चाहिए जिसके थ्रू हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वॉयलेट हुआ है या नहीं हुआ है तो वो सारी चीजें मतलब वो ऐसे रूल्स जो कि जजेस जुडिशरी के साथ कनेक्टेड है वो सभी रूल ऑफ एजुडिकेशन में आते हैं एंड फोर्थ वन है सेंशन इंपोजिंग रूल तो इसके अंदर कुछ इस तरीके के रूल्स आते हैं जब कोई इंडिविजुअल रूल्स को ब्रेक करता है या करता है तो उसको किए जाते हैं पेनल्टी की जाती है राइट तो उस तरीके के रूल्स तो किस तरीके की पेनल्टी है जो इंपोज करनी है वो सारे जो है बेसिकली इस लास्ट सेट ऑफ रूल्स में आते हैं तो उन्होंने कहा कि लीगल सिस्टम में ये दो सेट ऑफ रूल्स होने ही चाहिए प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स एंड लीगल सिस्टम या लॉ इन दोनों

ये बोला गया कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि पूरे एंटायर लीगल सिस्टम को सिर्फ दो तरीके के रूल्स में डिवाइड कर दिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स ये तो ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिविजन हो गया लॉ का तो इस तरीके से क्रिटिसाइज किया है अब थर्ड क्रिटिसिज्म ये है उनको इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया कि देखिए जो कुछ लॉज होते हैं जरूरी नहीं कि वो आ, पावर कन्फर करे या ड्यूटी कन्फर करे शायद ऐसा भी हो सकता है वो नीदर पावर दे नॉर ड्यूटी के बारे में बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन वहां पे ना कोई पावर की बात हो रही है ना कोई ड्यूटी की बात हो रही है राइट right? साथ ही साथ उनको इस बात में भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप कहते हैं कि सेकेंडरी रूल्स जो है वो पावर कन्फरिंग रूल्स है ऐसा ज़रूरी तो नहीं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंडरी रूल्स जो है ड्यूटी इंपोज करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ चेंज रूल ऑफ चेंज में क्या पावर दिया जाता है कि आप प्राइमरी रूल्स को जो है चेंज कर सकते हैं बट कभी कभी रूल्स को चेंज करने के लिए इंपोज करी जाती है ड्यूटी अपॉन द गवर्नमेंट कि आप चेंज करो रूल को को या लॉ ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंडम तो 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 यहां यहां पर पर तो ड्यूटी दी जाती है ना तो कैसे पावर की बात हुई तो इन सभी बेसिस में उनको क्रिटिसाइज किया जाता है तो आपको अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए बाय बाय